कुछ बच्चे लिखते हैं, मैम आप देर तक पढ़ाते हो, स्लो पढ़ाते हो। बेटा मैं इस बैच में, अगर मैं अनुमान लगाऊं, इस बैच में सपोज 50,000 बच्चा है, तो बेटा मुझे केवल एक बच्चे के हिसाब से या कुछ होशियार बच्चों के हिसाब से इस बैच को नहीं पढ़ाना। आज मैं शॉर्ट्स चला रही थी इंस्टा पे, तो मुझे APJ अब्दुल कलाम साहब का एक बड़ा प्यारा सा इंस्टेंस दिखाई दिया। तो वहाँ पे एक बच्ची उनसे इंटरव्यू में पूछ रही थी कि सर आप बैक बेंचर्स के साथ या ऐसे बच्चे जो बहुत होशियार नहीं हैं उनके साथ बॉन्ड कैसे बना पाते हो। तो कलाम साहब ने कहा कि क्योंकि मैं खुद एक बैक बेंचर था, मैं खुद एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, इसीलिए मैं उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड बना पाता था। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे जीनियस हो, चीज़ों को बहुत तेज़ी से कर लेते हैं, फ्रंट डेस्क पर बैठते हैं, टीचर के फेवरेट होते हैं, वही जीवन में अचीव हो सकते हैं, वही जीवन में सफलता पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बैक बेंचर था लेकिन फिर भी देखो मैं आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूं। तो उन्होंने इतनी प्यारी बात कही बाद में जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक अच्छा टीचर, एक महान टीचर वो होता है जो हर एक बच्चे की जरूरत को महसूस कर सके और उसको पूरा कर सके। वो टीचर जो केवल समझदार बच्चों को, होशियार बच्चों को पढ़ा दे, वो टीचर टीचर नहीं है। टीचर वो है जो हर एक बच्चे को पढ़ा दे। वो बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा है या पढ़ना नहीं चाहता है, वो जो टीचर उस बच्चे को भी पढ़ा दे वो टीचर है। तो इस बैच में बेटा समझना, केवल आप नहीं हो, इस बैच में केवल आप नहीं हो या फिर केवल आप जैसे बच्चे नहीं हैं, इस बैच में पूरे भारत में, और भारत से नहीं, भारत के बाहर से भी बच्चे हैं, बहुत दूसरे देशों के, हमारे पड़ोसी देशों के बच्चे भी बैचेस खरीदते हैं। तो पूरे देश का बच्चा जो अलग अलग भाषा का बच्चा है, शायद उसे भाषा समझने में भी कभी दिक्कत होती हो, इतने सारे बच्चे जो शायद कभी गांव में हो, उन्हें इतनी नॉलेज ना हो लेकिन अब वो सीखना चाहते हैं, तो इस बैच में बहुत डाइवर्स बच्चा है बेटा। जितनी डाइवर्स हमारी कंट्री है उतना ही डाइवर्स ये बैच है। इसमें हर एक IQ लेवल वाला बच्चा है, हर एक भाषा का बच्चा है, हर एक प्रांत का बच्चा है। तो हमें इस तरह पढ़ाना है कि इस बैच के एक एक बच्चे को फायदा पहुंचे। तो मेरी इस बैच के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीचर को, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से अपने टीचर को इवैल्यूएट ना करें। आप ये समझें, ये जानें कि इस बैच में कितना बच्चा है। कम से कम अगर मैं बता रही हूँ, इस बैच में 70,000 बच्चा होगा कम से कम, और जाने कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी भाषा का, कौन कौन से रीजन का। हमें उन सबको सिखाना है क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, और उसके लिए हमें एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जो सबके लिए अच्छा हो। हम केवल आपके हिसाब से नहीं चल सकते, कुछ होशियार बच्चों के हिसाब से इस बैच में नहीं चल सकते कि हाँ भैया कुछ होशियार बच्चे इनके हिसाब से पढ़ाते हैं, तेज पढ़ाते हैं, फटाफट पढ़ाते हैं ताकि उन्हें मजा आए। नहीं,